बिलावल भुट्टो गुफ्तगु कर रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। मैं हमारा पार्लियामानी मीटिंग के बाद इंशाल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब से ही मिलूंगा। मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये दो जमात ऐसे हैं जिसने हमेशा आइन साजी में साथ काम किया है, 1973 की आइन से लेके आज तक। और जो मौलाना फजल रहमान साहब की चाहे शिकायतें थे, चाहे मुतालबात थे, वो कल रात वजीर आजम साहब के सामने रखे गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम साहब ने जो कल वहां यकीन दहानी दिलाई थी, वो आज वो पूरे वो सारे बातों पे अमल दरामद करेंगे। और अगर ऐसे हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द इस आइन साजी को पास करवाने की पोजीशन में होंगे। आखिरी बात के पिछली असेंबली में आपने अपना पार्टी का चेयरमैन और पार्लियामानी लीडर के मुताबिक वो वोट देना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज 18 अक्टूबर है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर वापस आई थी, और एक इलेक्ट 18 अक्टूबर है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर वापस आई थी, और एक इलेक्शन कैंपेन लीड करने वापस आई थी। उस मंशूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुडिशियल रिफॉर्म्स के मुतालबात, बराबरी की नुमाइंदगी हमारा वफाकी अदालत में मौजूद था। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 177 वर्कर्स शहादत कबूल किए थे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तहफ्फुज दिलवाने, अपने मंशूर पे, अपना नजरिया पे, अपना कैंपेन की जद्दोजहद करते हुए उन्होंने शहादत कबूल की। आज मैं हैदराबाद शहर में 18 अक्टूबर का जलसा से खिताब भी करूंगा, और इंशाल्लाह ताला जो उन शोदा का नामुकम्मल मिशन है, उनका नामुकम्मल मिशन का एक हिस्सा हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। थोड़ा सा मेरा टाइम रहता है तो आपको मैं ये मौका देना चाहूंगा कि अगर किसी के पास कोई सवाल है या कोई पॉइंट है जो वो उठाना चाहे। बिलावल भुट्टो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि अरकान को ये खुशखबरी देता हूँ कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक ये आखिरी मुलाकात होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब से भी बातचीत का सिलसिला जारी है, क्योंकि JUIFA और पीपल्स पार्टी दो ऐसी जमातें हैं जिन्होंने हमेशा आइन साजी में एक अहम किरदार अदा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने सानिहा कारसाज को भी याद किया, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू भी की है।